खुशी से तो मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी मंथली राशिफल जो है लव रीडिंग रहेगी। लव रीडिंग थोड़ी सी लेट अपलोड हो रही है थोड़े काम की वजह से एंड बहुत सारे थोड़ी और कुछ वर्क होते हैं मेरे खुद पर्सनली, तो उसकी वजह से मैं थोड़ी लेट अपलोड कर रही हूँ, इसके लिए सॉरी। एंड जैसे कि दिस मंथ अप्रैल मंथ जैसे कि लव कम्युनिकेशन का कुछ ज़्यादा होता है, इसमें बहुत लोगों के जो काम जो बिगड़े हुए होते हैं तो वो सक्सेस हो जाते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस लाइफ में आ जाते हैं। जो अप्रैल जो मंथ होता है, जो फोर्थ वाला जो मंथ होता है, ये काफ़ी इमोशनली होता है एंड जैसे कि इमोशनली फीलिंग्स को ज़्यादा ही अपने अंदर की जो है हर राशि के लिए मैं कहूँगी, ऐसे एक राशि पर डिपेंड नहीं कहूँगी, हर राशि पर इमोशनली फीलिंग्स आती ही आती हैं। एंड अप्रैल मंथ में थोड़ा बहुत लगता है कि हमारे लाइफ में पार्टनर आना चाहिए एंड जैसे कि जिनकी शादी नहीं चाहिए उनको लगता है कि नहीं हमारी भी शादी हो जाए, काफ़ी सारी इमोशनल फीलिंग्स हो जाती है। जिनके ब्रेकअप हो चुके होते हैं तो अपने पार्टनर को मिस करते हैं, तो काफ़ी सारे चेंजेस अप्रैल मंथ में हमारे लाइफ में सब राशियों पर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी मंथली राशि जो है अप्रैल मंथ की लव रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सेकेंड राशि जो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए दिस मंथ कैसा रहेगा लव रीडिंग। तो जैसे कि लव रीडिंग में जैसे कार्ड्स आए नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ कप्स, जैसे कि यही एनर्जी दिखाई दे रही कि आपका ब्रेकअप हो सकता है, भूल चुका होगा दिस मंथ। ऐसा लगता है कि आपका जो आपके पार्टनर जो है उसके साथ आपका ब्रेकअप दिखाई दे रहा है एंड आप मुझे जहाँ तक लगता है कि उस इंसान से मूव ऑन हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे जहाँ तक लगता है कि एक दूसरे की शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि एक थर्ड पार्टनर की एनर्जी जहाँ तक दिखाई दे रही है एंड जैसे कि आपको लगता है कि नहीं आप उस इंसान से दूर चले जाए जहाँ तक है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अच्छे से स्टेबल है एक्चुअली एक अपने रिलेशन में एक सीधे तरीके से एक रिश्ता रखना चाहते हैं, एक दूसरे से अच्छी सी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। जहाँ तक है मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका पार्टनर जो है आपको एनी टाइम अगर जहाँ तक है कि पैसे को लेके बात करता होगा एंड पैसे की जैसे कि पैसे के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि आप रिच हो सकते हैं तो आपको शायद पैसे मांगते होंगे, ज़्यादातर दिख रहा है कि जैसे कि मनी को लेके कुछ ज़्यादा बात हो सकती है दोनों की। आपको चिट करने में उनको काफ़ी मज़ा आता था शायद, तो आपको ये सराउंडिंग एनर्जी मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको नज़र आई होगी या फिर आ सकती है, दिस मंथ आ सकती है कि आपको लगेगा कि नहीं आपका पार्टनर आपको चिट कर रहा है एंड जैसे मैंने कहा था कि थर्ड पार्टी की एनर्जी दिख रही है तो काफ़ी सच में थर्ड पार्टी की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ चुका है। तो जैसे कि थर्ड पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है कि नहीं उनके लाइफ में कोई एक्स्ट्रा अफेयर्स हो सकता है, तो उस वजह से आप अगर आपको पता है तो आप उनसे दूर चले जाएंगे, मूव ऑन कर लेंगे, आपको उनके साथ नहीं रहना है, आप तो खुद ही डिसीजन लेंगे, जैसे आपका पार्टनर नहीं आप खुद डिसीजन लेंगे कि नहीं आपको अभी अपने काम पे फोकस देना है और अपने काम में लगना है एंड मनी कमाना है। और आप ऐसे ही मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका पार्टनर आपके साथ ये एनर्जी रख रहा है कि तुम कौन हो, तुम कुछ भी नहीं हो, मेल फीमेल दोनों के लिए मैं कह रही हूँ कि तुम कौन हो, कुछ भी नहीं हो, तुम ऐसी हो वैसी हो, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करता होगा, क्योंकि अगर सामने वाले की गलती भी है तो भी वो आपको बोल रहा है कि नहीं तुम गलत हो एंड तुम अच्छे नहीं हो, तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी बातें सुने और आप उनकी बातों पे रहें। अगर आप कुछ उन पर कोई डिमांड करते हो या फिर उनको कुछ बात कहते हो तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो सुनने लायक है, तो आप उनका कहना नेचर मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नहीं आप मेरी ही बात सुनो, मैं जैसे बोलूँगा जैसे बोलूँगी या फिर मैं जैसे आपको बोलूँगा तो आप वैसे ही करो, तो आपको लगता है कि नहीं ऐसी ज़िंदगी तो मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं निकालने कि जो इंसान एनी टाइम मुझे बोलते ना कि एनी टाइम डोमिनेट करे, परेशान करे, चीट करे, ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आपको नहीं चाहिए। दिस मंथ मुझे जहाँ तक दिखाई दे रही काफ़ी इमोशनली फीलिंग्स रहेगी दिस मंथ एंड जैसे कि एनर्जी जहाँ तक दिखाई दे रही कहीं ना कहीं आप कुछ न्यू
लाइफ में चले जाएंगे उस पर्सन की वजह से, जो पर्सन जो आपको डोमिनेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, या फिर कर चुका होगा, जहाँ तक एनर्जी नजर आ रही कर चुका होगा या फिर करेगा आगे सराउंडिंग एनर्जी में, जहाँ तक वह करेगा। एंड आप उस वजह से, उस इंसान की वजह से सो नहीं रहे, परेशान हो रहे हैं, और फिर मूड स्विंग हो चुका है आपका। आपको लगता है कि जब वो बात कर रहा है, उसकी उसने जो बात बोली, एंड जैसे कि आपके पास सामने जितने भी सारे पर्सन हैं, वो भी सारे आपके बारे में शायद यही सोचते हैं। एंड मैं साथ में बात करूँगी कि जैसे कि आपका पार्टनर, मुझे जहाँ तक नहीं लगता है कि आपके साथ फिर से कम्युनिकेशन करेगा। एंड जिनके लाइफ में लव नहीं, उनके लिए मैं बात करूँगी, जहाँ पे मैरिज की बात हो रही है, एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही कि घर वालों की मर्जी से, मुझे ज़्यादा लगता है कि आपका पार्टनर जो कुछ भी आपके जैसे कि आप जहाँ रहते तो वहाँ से काफ़ी दूर आपका पार्टनर मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, एंड काफ़ी दूर से रिश्ता आपको आ सकता है। एंड जो आपका पार्टनर जो रहेगा, खास करके ये सवाल कुछ ज़्यादा होता है कि आपका जो पार्टनर होगा वो कैसा रहेगा। तो जिनकी लाइफ में शादी होनी बाकी है, जो जिनके घर वाले जो है मैरिज के लिए देख रहे, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि एक अच्छी सी कम्युनिकेशन, एक अच्छी सी लव लाइफ मुझे जहाँ तक होती हुई दिखाई दे रही है, एक अच्छी सी शादी की बात होती हुई दिखाई दे रही है। जो आपका पार्टनर जो होगा काफ़ी अच्छा रहेगा, अच्छे से कम्युनिकेशन वाला रहेगा, उनको भी घूमना फिरना, अच्छे से बातें करना, काफ़ी उनकी बातों में काफ़ी अच्छे से मिठास मुझे जहाँ तक दिखाई दे रही है। एंड आपके साथ एक अच्छी सी मतलब ना कि एक अच्छी सी जर्नी को लेकर आगे बढ़ाएगा, आपके एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाएगी उस पार्टनर से, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाएंगी, अपनी एक न्यू कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। जिनके लाइफ में पार्टनर नहीं, उनके लिए मैं कहूँगी उनके लिए काफ़ी अच्छा सा गुड न्यूज़ है कि एक अच्छी सी न्यू लव कम्युनिकेशन होगी और आपका पार्टनर काफ़ी अच्छा होगा और कुछ न्यू बिगनिंग्स होगी। आप कुछ ना कुछ उस पर्सन से सीखेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें उस पर्सन से सीखने को मिलेंगी, काफ़ी अच्छा टैलेंट होगा उनमें। एंड जैसे कि आप उनको लेके कभी मतलब परेशान नहीं होगी, डोमिनेटिंग में आपको नहीं लगेगा कि आप उन चीज़ों में बंधे हुए हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, या फिर उनका नेचर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। आपको एक अच्छे से फ्रीली लाइफ आपको आगे से जीने को मिलेंगी, आप अपनी लाइफ में एक वेल सेटल हो जाएंगे, ये वाली मुझे एनर्जी जहाँ तक दिखाई दे रही है वृषभ राशि वालों के लिए, एंड काफ़ी अच्छी एनर्जी। और जहाँ तक जिनकी मैरिज हो चुकी है, जिनके लिए मैं कार्ड्स निकाल लूँ, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप अपनी हिडन फीलिंग किसी को बताना नहीं चाहते। एंड जिनकी कोर्ट मैरिज स्टार्ट है, तो मुझे शायद लगता है कि वो डिसीजन ले रहे हैं घर वालों से, कोर्ट में जो डिवोर्स फाइल जो की है, शायद बात करे ना करे, घर वाले सपोर्ट करते ही दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टनर की वजह से आपके, मुझे शायद लगता है डिवोर्स के चैनल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं आप उनके थर्ड पर्सन के होने की वजह से। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि डिवोर्स नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका जो पार्टनर है वो रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहे, जिनके भी कोर्ट केस वगैरह अगर चल रही है उनके लिए मैं कहूँगी। बट आप अपने काफ़ी इमोशनली जो फीलिंग जो है आप अपने मन में दबा के रखे हैं, आप अपने पार्टनर से कभी नहीं बोलेंगे कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनके साथ रहना चाहते हैं। जिनकी जैसे जस्ट एक मैरिज को लेकर जहाँ पे बहुत ज़्यादा नोकझोंक हो चुकी है, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ कि जिनकी काफ़ी नोकझोंक हो चुकी है, पर हिडन फीलिंग अपनी नहीं बताएंगे कि मुझे आपसे लव है, प्यार है, मुझे आपके साथ रहना है, या फिर दोनों एक अच्छे से कम्युनिकेशन करें। पर धीरे धीरे बात जो है मुझे जहाँ तक लगता है फैमिली वाले हो सकते हैं, या फिर जैसे कि आपके फ्रेंड सर्कल जो हो सकते हैं कि आप दोनों को मनाएंगे, एंड आप कहीं ना कहीं पे एक अच्छे से सेटल डिसीजन लेके, एक इमोशनली डिसीजन लेके, आप कहीं ना कहीं बोलते ना कि रिश्ता नहीं टूटेगा। जिनको भी डिवोर्स लेना है उनके लिए, जो डिवोर्स फाइल कर रहे हैं, तो जहाँ तक आपका मन भी नहीं कि आप डिवोर्स लें, तो डिवोर्स मुझे जहाँ तक लगता है कि इस टाइम तक डिवोर्स चांसेस नहीं नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड जैसे कि एनर्जी जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही, काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। जिनकी लव कम्युनिकेशन स्टार्ट है उनके लिए मैं कहूँगी सच में ब्रेकअप होगा, ब्रेकअप होने के चांसेस दिखाई दे रहे। थर्ड पर्सन पता नहीं क्यों इंक्लूड दिखाई दे रहे, थर्ड पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे जहाँ तक एक न्यू बिगनिंग में तो नहीं दिखाई दे रहा है, पर जिनके डिवोर्स केसेस चालू है, जिनकी मैरिज इशू जो है बहुत ज़्यादा मैरिज इशू जो है, उनके लिए मुझे थर्ड पर्सन दिखाई दे रहे हैं। एंड जिनकी अच्छी सी लव कम्युनिकेशन है, खास करके वो भी कहीं कि नहीं आपने ऐसे कैसे बोला, तो नहीं, हेल्थ इशू जहाँ तक दिखाई दे रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके कर्मास चेंज हो रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ न्यू डिसीजन लेने, कुछ ना कुछ
न्यू चीजें करने के बारे में सोच रहे, पर कहीं ना कहीं फीलिंग्स मुझे जहां तक डाउन दिखाई दे रही, क्योंकि हेल्थ इशू नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे खास करके। कहीं ना कहीं घर पे किसी ना किसी के साथ नोकझोंक हो सकती है, खास करके मैं कहूँगी घर पे किसी ना किसी के साथ नोकझोंक हो सकती है, तो प्लीज बी केयरफुल। एंड क्योंकि नोकझोंक होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, फैमिली जहाँ पे अच्छी कम्युनिकेशन है, जिनकी मैरिज की लव कम्युनिकेशन जहाँ पे अच्छी है, उनके लिए मैं बात करी वृषभ राशि वालों के लिए, कहीं ना कहीं घर पे फिर किसी ना किसी के साथ थोड़ी सी अनबन होने के चांसेस जहाँ तक है दिस मंथ नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कुछ भी काम है आप करना तो बहुत चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं फीलिंग्स इमोशनली डाउन, क्योंकि हेल्थ इशू भी आ रहे हैं यहाँ पे, कि जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आपके आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं, तो उस वजह से शायद आपकी जो आपकी काम करने की एनर्जी है, जो अच्छे से लव कम्युनिकेशन है, वहाँ पर भी थोड़े से डिस्प्यूट होंगे। एंड मतलब वहाँ पर एनर्जी आपकी कुछ ठीक मुझे जहाँ तक है नज़र आती भी नहीं दिखाई दे रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए वृषभ राशि वाले की दिस मंथ आपका कैसा रहा। मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए कि दिस मंथ आपका कैसा रहा। एंड जैसे कि क्लासेस स्टार्ट है, टैरो कार्ड रीडिंग एंड जो कार्ड रीडिंग की क्लासेस स्टार्ट है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक 5 बजे तक ही ऑफिस स्टार्ट होता है, तो आप उस टाइम तक ही कॉल कर सकते हैं। एंड मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूँगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।